तो जब से वांडा विजन सीजन 2 रिलीज हुआ है और सॉरी आई मीन डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हुई है, तब से मैं इस बैटल को बनाने की सोच रहा था और फाइनली इतना डिले करने के बाद आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अब तुम्हें दिमाग में लेके नहीं बैठ जाना कि स्कारलेट विच ने तो इनकी पुंगी बजाई थी, इल्यूमिनाटी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टीम थी, बट क्या करे, ईगो की प्रॉब्लम बाबू भैया, ईगो की। अरे ईगो द लिविंग प्लेनेट नहीं, ईगो। अरे खुद समझ आओ, तुम तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। जोक्स अबाउट, आज हम हमारे एमसीयू के मेन अर्थ के एवेंजर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं अर्थ 838 की सुपर हीरो टीम इल्यूमिनाटी के साथ और देखेंगे कि अगर इन दोनों में फाइट कभी होती है तो किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इल्यूमिनाटी की। तो यहाँ हम सिर्फ मूवी वर्जन का कंपैरिजन करने वाले हैं, कॉमिक वर्जन का नहीं, क्यों वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो इल्यूमिनाटी टीम में 7 मेंबर्स थे, क्यों थे, इसलिए क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। इल्यूमिनाटी टीम का लीडर था रिचर्ड द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, कैप्टन कार्टर द वॉर लीडर, द बिग गन्स ब्लैक बोल्ट और कैप्टन मार्वल, माई फेवरेट प्रोफेसर एक्स, मॉडो और डॉक्टर स्ट्रेंज। तो इतने डाइवर्स कैरेक्टर्स इनके पास, तो पावर वेरिएशन तो बहुत है इस टीम के पास। सबसे पहले बात कर लेते हैं इल्यूमिनाटी के मोस्ट पावरफुल मेंबर्स की, तो वो थे ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन मार्वल। जैसे हमने देखा कि ब्लैक बोल्ट सिर्फ अपने बोलने से मैसिव साउंड ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता था, जिसे वो किसी भी ह्यूमन के चीठ दे उड़ा सकता था, बट हमने उसकी लिमिट को नहीं देखा। कैप्टन मार्वल मोनिका रैम्बो के पास सेम हमारे कैप्टन मार्वल जैसी पावर्स थी और इल्यूमिनाटी का डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क मैजिक का यूज करके बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था और उसने बुक ऑफ विशांति से थानोस तक को हरा दिया था। बात करें बाकी मेंबर्स की, तो मॉडो एक्सपर्ट और पावरफुल मैजिशियन है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ के बाद वहां का सॉसरर सुप्रीम बना था। प्रोफेसर एक्स के पास माइंड कंट्रोल की पावर थी। कैप्टन कार्टर सेम हमारे कैप्टन अमेरिका जैसी थी, बट आई थिंक कैप्टन कार्टर कैप्टन अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्टीव रॉजर्स स्टंटेड था जब उसे सुपर सोल्जर सेरम मिला था, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, बट वहीं कैप्टन कार्टर ऑलरेडी एक नॉर्मल ह्यूमन थी, जिसकी वजह से जब उसे सुपर सोल्जर सेरम दिया गया तो उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो स्टीव रॉजर्स से ज्यादा होनी चाहिए थी। ऐसा बस मेरा मानना है, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया गया है अभी तक। और एट द एंड इस टीम का लीडर रीड रिचर्ड, जो कि स्मार्टेस्ट मैन इन दिस यूनिवर्स था, हमने देखा कि उसने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी तक को बनाया था, जिसकी वजह से वो एक पोर्टल के थ्रू इल्यूमिनाटी टीम में आ पाया था और इस यूनिवर्स के अल्ट्रॉन प्रोग्राम को भी रीड रिचर्ड्स ने बनाया था और यहाँ पे अल्ट्रॉन प्रोग्राम सक्सेसफुल भी हो गया था। एज कम्पेयर टू एमसीयू के अर्थ केस, सो यस इल्यूमिनाटी एक फॉर्मेडेबल टीम थी, बट फिर वांडा ने कैसे उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया? तो इसका आंसर है रियलिटी मैनिपुलेशन। स्कारलेट विच अपनी पीक पावर्स पे थी जब वो इल्यूमिनाटी से लड़ी थी और उसने ब्लैक बोल्ट रीड रिचर्ड्स की रियलिटी को चेंज करके मार दिया था, कैप्टन मार्वल की सारी पावर्स को छीन लिया था, वरना थोड़ी ना कैप्टन मार्वल एक स्टैचू के गिरने से मर जाती। और हाँ, इल्यूमिनाटी टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ईगो की और ये भी मेन रीजन था कि क्यों वांडा इजिली उन्हें हरा पाई थी। अब बहुत हो गई वांडा की बात, कौन है एवेंजर्स और इल्यूमिनाटी में ज्यादा पावरफुल टीम, तो चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इस इल्यूमिनाटी टीम का कंपैरिजन करेंगे ओरिजिनल एवेंजर्स टीम के साथ और फिर वीडियो के एंड में सबसे पावरफुल एवेंजर्स के टीम को भी लेंगे, क्योंकि पूरे एमसीयू में 20 से भी ज्यादा एवेंजर्स टीम मेंबर्स प्रेजेंट है। तो कंपेयर करें 2012 के एवेंजर्स वर्सेस इल्यूमिनाटी को, तो 2012 के एवेंजर्स में आते हैं थॉर, हल्क, आयरन मैन, ब्लैक विडो, हॉकआई और कैप्टन अमेरिका। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि इल्यूमिनाटी के पास वास्ट रेंज ऑफ पावर्स रखने वाले बीइंग्स है, बट इस एवेंजर्स टीम के पास वो एडवांटेज नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ब्लैक विडो और हॉकआई ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे इस फाइट में, दूसरा थॉर, हल्क और कैप्टन अमेरिका और साथ साथ आयरन मैन सिर्फ फिजिकली फाइट कर सकते हैं, उनके पास वो डिफरेंट सेट ऑफ पावर स्किल्स नहीं है। बट वही बात करें इल्यूमिनाटी टीम की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉडो सॉर्सरर सुप्रीम्स रह चुके हैं, जिनके पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर्स और एबिलिटीज है। ब्लैक बोल्ट के पास सोनिक स्क्रीम की पावर है, प्रोफेसर एक्स के पास माइंड कंट्रोल की, और ऐसे ही रीड रिचर्ड्स इस टीम का टैक्टिकल हेड है और आयरन मैन को टक्कर देने वाली टेक्नोलॉजीज पोजेस करता है, और कैप्टन मार्वल और कार्टर फिजिकली फाइट भी कर सकते हैं। तो इल्यूमिनाटी के पास सॉर्सरर्स है, कॉस्मिक बीइंग्स है, टेलीपैथ्स है और टेक्नोलॉजी तो है ही, और ये एबिलिटीज उन्हें इस फाइट में एडवांटेज देंगे। लाइक मॉडो, डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स की टीम को मिरर डायमेंशन या अपने स्पेल्स में फंसा लेंगे। प्रोफेसर एक्स सबका माइंड कंट्रोल कर सकता है क्योंकि एवेंजर्स
एवेंजर्स के किसी भी टीम मेंबर के पास माइंड शील्डिंग एबिलिटी नहीं है और थॉर और हल्क को कुछ टाइम के लिए कैप्टन मार्वल और ब्लैक बोल्ट संभाल लेंगे, क्योंकि ध्यान रहे ये 2012 के एवेंजर्स है जिनके पास ना ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और ना ही ज्यादा टीम कोऑर्डिनेशन। सो वास्ट रेंज ऑफ एबिलिटीज होने की वजह से मेरा वोट यहाँ इल्यूमिनाटी के साथ होगा, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब रियल बैटल होगा जहाँ हम मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स का बैटल करवाएंगे इल्यूमिनाटी के इस टीम के साथ। और इस एवेंजर्स टीम में है हमारे पास कैप्टन मार्वल, थॉर, हल्क, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका। अब इसके अलावा भी पावरफुल एवेंजर्स है, बट नंबर्स को बैलेंस करने के लिए मैंने दोनों टीम्स के साथ साथ मेंबर्स को ही लिया है। सो ये फाइट देखने लायक होगी, क्योंकि यहाँ मोनिका रैम्बो की कैप्टन मार्वल भिड़ने वाली है कैरल डैनवर्स के कैप्टन मार्वल से। हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे अपनी ही मूवी में साइड कैरेक्टर बना दिया गया, अगेंस्ट होगा अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज के। वांडा वर्सेस प्रोफेसर एक्स के बीच टेलीपैथिक फाइट होगी। आयरन मैन वर्सेस रीड रिचर्ड्स, थॉर वर्सेस ब्लैक बोल्ट, हल्क वर्सेस मॉडो और कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन कार्टर। तो देखो, अब इन इंडिविजुअल फाइट्स में कुछ एवेंजर्स के मेंबर्स विनर होंगे तो कुछ इल्यूमिनाटी के, बट ओवरऑल जो एडवांटेजेस इल्यूमिनाटी के पास 2012 वाले एवेंजर्स के अगेंस्ट थी वो नलीफाई हो जाती है। लाइक मोनिका रैम्बो के कैप्टन मार्वल को कैरल डैनवर्स वाली कैप्टन मार्वल संभाल लेगी, क्योंकि हमने देखा कि कैसे टाइटन की फाइट में मोनिका रैम्बो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी थानोस के अगेंस्ट, बट वहीं कैरल डैनवर्स ने तो छक्के छुड़ा दिए थे थानोस के विद इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। सेकंड जो एडवांटेज सॉर्सरर्स की वजह से इल्यूमिनाटी को मिल रही थी 2012 के एवेंजर्स के अगेंस्ट, वो भी नलीफाई हो जाती है, क्योंकि अब मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स टीम में भी डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा है। तीसरा, प्रोफेसर एक्स की टेलीपैथी को राइवल करने के लिए अब एवेंजर्स के पास है वांडा। अब यहाँ मैं वांडा को फुल ऑन स्कारलेट विच नहीं ले रहा, मैं यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाली वांडा की बात कर रहा हूँ, न कि स्कारलेट विच की। प्लस आयरन मैन ने एंड गेम तक जो टेक्नोलॉजीज इन्वेंट और डिस्कवर की है, आई डोंट थिंक रीड अभी तक इतना कर पाया था अपनी यूनिवर्स में। उस स्टॉर्म ब्रेकर थॉर की तो बात ही अलग है, जो बंदा न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव कर पाया था, उस पे ब्लैक बोल्ट की स्क्रीम का क्या ही असर होगा। सो इस फाइट में एवेंजर्स बारी पड़ने वाले है इल्यूमिनाटी पे, क्योंकि एवेंजर्स एक्सपीरियंसड है और इल्यूमिनाटी की तरह वास्ट रेंज ऑफ पावर्स को पोजेस करते हैं। सो मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स वर्सेस इल्यूमिनाटी के फाइट के विनर एवेंजर्स होंगे। रुको, कहां जा रहे हो? अभी थोड़ा और ज्ञान देना बाकी है, वो है कि मैंने कॉमिक्स वाले इल्यूमिनाटी को क्यों नहीं लिया। पहले तो अगर मैं कॉमिक्स के इल्यूमिनाटी और मूवी के एवेंजर्स का कंपैरिजन करूं, तो भाई साहब इल्यूमिनाटी एवेंजर्स का क्या हाल करेंगे ये मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि कॉमिक्स के इल्यूमिनाटी बहुत ही ज्यादा ओपी है। लाइक ये बंदे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, हर किसी बंदे के पास एक एक इन्फिनिटी स्टोन है, और एट द एंड जो मेंबर्स इल्यूमिनाटी में है उनमें मेजॉरिटी एवेंजर्स टीम को भी बिलोंग करते हैं, और मूवीज और कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को कंपेयर करना सही नहीं रहता ड्यू टू वेरियस रीजंस। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे थॉर वर्सेस स्कारलेट विच या फिर डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस एवेंजर्स पे बनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।